दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आप जितनी गाड़ी चलाते हैं अपनी, उसी हिसाब से आपको गाड़ी का बीमे का प्रीमियम देना पड़ेगा, और अगर आपको मैं ये कहूं कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी का बीमा प्रीमियम ज़्यादा होगा या कम होगा। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके घर में 4-5 गाड़ियां हैं और आप सभी गाड़ियों की एक ही पॉलिसी ले सकते हो, जी हाँ दोस्तों, ये तीनों बातें जो हैं जल्द ही हमारे देश में हो सकती हैं और आपकी गाड़ियों का प्रीमियम इसके हिसाब से लिया जा सकता है। ये जानकारी भी मैं आपको दूंगा कि कब तक ये होने की उम्मीद है, आपको क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन इसके साथ ही मुझे आपकी राय भी जाननी है कि आप क्या सोचते हैं ये जो नए बड़े बदलाव आने वाले हैं। पहले तो डिटेल में बात करेंगे इन बदलाव के बारे में, उसके बाद में करेंगे चर्चा। आइए शुरू करते हैं आज की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो तीन बदलावों की मैंने बात करी है, तीन नए बड़े रेवोल्यूशनरी मैं कहूंगा कि जो इनिशिएटिव ले रही है देश की IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एक प्रेस रिलीज जारी करके 6 जुलाई को ये बोला है कि उन्होंने IRDA, मैं बता दूं वो संस्था है जो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है देश में, तो उन्होंने देश में बीमा कंपनियों को ये इजाज़त दे दी है कि आप जो गाड़ियों का ओन डैमेज हिस्सा है, ओन डैमेज पार्ट कवर जो होता है, वो तीन तरीके से भी तय कर सकते हैं। कहने का मतलब, दो व्यक्तियों ने सेम गाड़ी खरीदी, एक बंदा चलाता है साल के अंदर 10,000 किलोमीटर और दूसरा चलाता है 2,00,000 किलोमीटर, तो दोनों का जो बीमा प्रीमियम है वो अक्सर सेम होता है, क्योंकि कितनी गाड़ी चलती है इसको तो हम ध्यान में आज की डेट में नहीं रखते हैं। तो आने वाले दिनों में बीमा कंपनियां किलोमीटर कितने चलते हैं ज़्यादा कम, उस हिसाब से आपकी बीमा की जो रकम है, जो प्रीमियम की रकम है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर गाड़ी ज़्यादा चलती है तो उसके एक्सीडेंट होने के ज़्यादा कारण है, लेकिन अगर गाड़ी घर पर ही खड़ी रहती है तो उसके एक्सीडेंट होने के, चोरी होने के या आग लगने के उतने ही कम चांसेस हैं, इसलिए उसका प्रीमियम कम होना चाहिए, उसका रिस्क कम है, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ आज तक नहीं थी, लेकिन अभी अलाउ कर दी है, बीमा कंपनियां ऐसी पॉलिसी लेकर आ सकती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो IRDA लेकर आ रही है दोस्तों, वो है पे हाउ यू ड्राइव, कि आप उस तरीके से पे करेंगे आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, हाउ यू ड्राइव। मतलब ये है कि एक ड्राइवर तो वो है जिसका कोई भी एक्सीडेंट रिकॉर्ड ही नहीं है, आज तक 30 साल हो गए कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, और एक वो है जिसमें जो महीने में गाड़ी 2 बार ठोक देता है, तो दोनों का जो है, दोनों गाड़ियों पर रिस्क अलग अलग हो गया, तो फिर बीमा प्रीमियम भी अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि अगर रिस्क कम है, अगर ड्राइवर बहुत अच्छा है, तो ये भी तो चांसेस बहुत कम है ना कि वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो बीमा कंपनी के नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो गए, इसलिए वो प्रीमियम जो है वो अपना कम ले सकती है। तो ये चीज़ भी अलाउ कर दी है IRDA ने बीमा कंपनियों को। दो चीज़ें हो गई अब तक, पे एज यू ड्राइव और पे हाउ यू ड्राइव, तो ये दो बड़े कॉन्सेप्ट जो हैं, जो विदेशों में तो हैं, बहुत विकसित देशों में ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, और बीमा प्रीमियम तय होने के टाइम ये चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। और तीसरी चीज़ एक और नहीं लेके आए हैं कॉन्सेप्ट, वो है फ्लोटर पॉलिसी का। आपने अक्सर, अगर आपके, आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ले रखी है अपनी फैमिली के लिए, तो एक फ्लोटर पॉलिसी मिलती है, जैसे आप खुद हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए दो मान लीजिए, तो चारों को एक फ्लोटर पॉलिसी मिल जाएगी, अलग अलग चार हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उन चारों में से किसी को भी क्लेम की ज़रूरत पड़ गई तो उसमें से क्लेम जो है मिल जाएगा। तो उसी तरीके से एक फ्लोटर पॉलिसी पहली बार गाड़ियों के लिए, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों के लिए नहीं, दो पहिया और प्राइवेट कार। मान लीजिए घर में 3 बाइक है, स्कूटर मोटरसाइकिल और 2 कारें हैं, तो 5 गाड़ियों की आप एक ही फ्लोटर पॉलिसी फ्यूचर में ले पाएंगे, एक ही बीमा करा दो 5 गाड़ियों का, और उसका जो प्रीमियम है वो बड़ी गाड़ी के हिसाब से तय हो जाएगा, कुल मिलाकर कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा, इसीलिए कोई फ्लोटर पॉलिसी लेगा, नहीं तो फिर बंदा कहेगा कि मैं अलग अलग ले लेता हूँ, और जैसे ही आपने कोई गाड़ी बीच में से बेची तो वो बीच में से फ्लोटर कवर से निकल जाएगी। तो इस तरीके का फ्लोटर पॉलिसी लाने की इजाज़त जो है वो भी IRDA ने बीमा कंपनी को दे दी है। अब ये तीनों चीज़ें
पे एज यू ड्राइव, पे हाउ यू ड्राइव और फ्लोटर पॉलिसी, तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो आज़ादी मिल चुकी है बीमा कंपनियों को। अब कौन सी बीमा कंपनी ये चीज़ें लेके आती है, कब लेके आती है, ये सारी कहानी बीमा कंपनियों पे डिपेंड करती है। अगर व्यापारी आपको हॉल्टिंग चार्ज नहीं दे रहा तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। अब मुझे पता है कि आप समझदार श्रोता हैं, बहुत ध्यान से बात सुनते हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि बातें तो ठीक है सारी, लेकिन बीमा कंपनी को कैसे पता चलेगा हम गाड़ी कितनी चलाते हैं, मीटर आगे पीछे किया जा सकता है, ड्राइवर बदलते रहते हैं, या फिर उनको कैसे पता चलेगा कि ड्राइवर का रिकॉर्ड कैसा है या गाड़ी कैसे चलती है। भाई सही बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है आज की डेट में बहुत विकसित हो चुकी है, बहुत सारी। तो अगर आप आज भी हाई एंड गाड़ियाँ देखें BMW जैसी, तो कई साल पहले ही उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी थी, आपकी सिर्फ जो एजेंसी होती है वहाँ पर सिर्फ गाड़ी की चाबी ले ली जाती है और उसी वो एक तरीके से पेन ड्राइव होती है और पूरी गाड़ी का डेटा उसमें रहता है, आप कितनी स्पीडिंग करते हैं, कितने ब्रेक ज़्यादा लगाते हैं, किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, वो सारा रिकॉर्ड उसके अंदर आ जाता है और वो अपने कंप्यूटर में डाल के पूरा उसको डाउनलोड कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ मैं कुछ साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, लगभग 8-10 साल, अब तो और ज़्यादा इसको डेवलप होगी और बहुत सारे अब अलग से डिवाइसेस आते हैं ऐसे कि आपकी गाड़ी में लगा दिए जाएंगे और वो आपकी गाड़ी की पूरी हिस्ट्री जो है उसमें रिकॉर्ड होती रहती है। इवन जो GPS डिवाइसेस भी आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं, उसके अंदर कितनी देर गाड़ी आइडल रही, कितनी ब्रेकिंग लगी, वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं, कितनी गाड़ी चली, लोकेशन सब कुछ है उसके अंदर। तो अब इसको कैसे करेंगे, हर गाड़ी पर तो ये लागू नहीं होगा, हो सकता है कि अगर आपको इसका फ़ायदा लेना है तो वो आपको बीमा कंपनी ये बोले कि ये आपको डिवाइस अपनी गाड़ी में लगाना होगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो पाएंगे, ये पॉलिसी आप ले पाएंगे। मान लीजिए आपको लगता है कि मेरी कार तो साल में 10,000 किलोमीटर चलती है, सिर्फ ऑफिस से मैं घर जाता हूँ, घर से ऑफिस, तो आप वो डिवाइस हो सकता है अपनी गाड़ी में लगवा लें और धीरे धीरे आपका जो बीमा प्रीमियम है वो कम होता जाए। लेकिन ये अभी कोई मैंडेटरी होने वाला नहीं है कि भाई कंपलसरी होगा सबके लिए, दूसरी बीमा पॉलिसियां भी चलती रहेंगी और इसको आने में भी अभी बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अब बीमा कंपनियों का दिमाग उस तरफ चलेगा और अगर उन्होंने ये प्रस्ताव IRDA के सामने रखा होगा तो कुछ ना कुछ उनकी तैयारी भी होगी, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी उनके दिमाग में होगी, तो ये सब चीज़ें होंगी। ये मतलब कहने का ये है कि होंगी तो ज़रूर, अब 1 साल 2 साल 4 साल कब तक ये बहुत बड़े स्तर पर हो जाएंगी ये आने वाला समय बताएगा। ट्रांसपोर्ट TV पर कुछ दिन पहले हमने कनाडा के एक वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ट्रकों का, पीटरबिल्ट, उसके बारे में कुछ जानकारी दी थी, जिसमें हमने बताया था कि उस ट्रक की सारी जानकारी, आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, कितनी ब्रेकिंग करते हैं, एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, या आपने गाड़ी के अंदर कोई चीज़ डाल दी या उसको गलत तरीके से खोल दिया, वो सारी चीज़ें जो हैं कंपनी को रियल टाइम बेसिस पे उनके पास रहती हैं। कुछ ख़राब हो गया, आप जाके झूठ नहीं बोल सकते हैं कंपनी के अंदर कि जी ये तो अपने आप ही ख़राब हो गया था या ये, तो काफ़ी सारा डेटा जो है आपका वहाँ रहता है, तो वहाँ से बीमा प्रीमियम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी तो है, देखते हैं हमारे देश में ये कब तक पूरी तरह से आएगी और आपको क्या लगता है, इससे कोई आपको फ़ायदा होगा या अल्टीमेटली बीमा कंपनियों को इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी, अगर ऐसा है तो फिर इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों और लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट भी। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, RTO और टोल अधिकारी आपको GVW पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।